दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे हमको आज दोपहर 2 बजे मैच देखने को मिलने वाला है इंडिया और बांग्लादेश वुमेन के बीच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई, जो एशिया कप का यहाँ पे वुमेन्स की T20 लीग चल रही है, यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। 1 करोड़ रुपए फर्स्ट प्राइज है। तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं, अगर आप लोग रैंक में रहेंगे यानी कि विनिंग जोन में रहेंगे, तो फिर आपका अच्छा खासा अमाउंट आप लोग यहाँ पे विन कर लेंगे। आज के मैच में क्या पूरा मैच का सिनेरियो है, वेन्यू कंडीशन, पिच कंडीशन, कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे आज टॉप परफॉर्मेंस करने वाले हैं, कौन कौन से प्लेयर को आपको टीम में रखना है, सिलेक्शन रेशियो कितना ध्यान में रखना है, प्लेयर के पॉइंट कितने ध्यान में रखने हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको सेलेक्ट करना है, A to Z ऑल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं, जिसके माध्यम से आज की वीडियो में आप लोग जान जाएंगे कि भाई पिच कंडीशन का क्या रोल है, स्पिनर बॉलर, पेसर बॉलर, कौन से बॉलर को ज़्यादा पिच सपोर्ट कर रही है और यहाँ पे रन रेट कैसे जाएगा। तो यानी कि आज की वीडियो को जिस बंदे ने एंड तक देख लिया, मेगा लीग विनिंग चांसेस उसके 100% इंक्रीज़ हो जाएंगे बिना स्किप के एंड तक देख लिया। क्योंकि फालतू रील्स में तो आप लोग यहाँ पे घंटों इंतजार बर्बाद कर देते हो, लेकिन जिसमें से ज़िंदगी बदलनी है, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं कि अगर ड्रीम इलेवन में एक बार रैंक बना गई तो क्या कुछ हो सकता है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई 15-12 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, चेंज कर सकें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे फैंसी एप किसी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने दो दो फैंसी क्रिकेट एक्सपर्ट बैठे हैं, जिनके पास भाई सोनू जी तो यहाँ कम से कम भाई सबसे यहाँ पे सीनियर है भाई, इनको 8 से 9 सालों का क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, और आप लोगों को भाई जाहिर सी बात है अभी तक इनकी बातों से एहसास हो गया होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा बोलता है तो उसको सुनना चाहिए। तो आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओ, सबसे पहले मैं अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों, आज जो मैच होने वाला है इंडिया और बांग्लादेश ओमन के बीच में मैच होने वाला है, और इस मैच में क्या होने वाली है आपकी ग्रैंड लीग की टीम, क्या होने वाली है ड्रीम टीम, यानी कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा, किसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहेंगे, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जैसा कि कंटेस्ट का हमारे प्रेम भाई ने बताया है, फिर 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का है, और 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए अगर कोई जीत जाता है तो उसके लिए मतलब उससे बड़ी बात जिंदगी में होगी नहीं। और वो जिंदगी दोस्तों, वो बड़ी बात जो है, वो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो शायद वो चीजें आपको मतलब साकार हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे बांग्लादेश ओमन और इंडिया ओमन के बीच में, ये मैच कब होगा, आई मीन की क्या इसकी जो स्कोरबोर्ड रहेगा, क्या कंडीशन रहने वाली है, ओवरऑल सारी चीजें मैं कवर करूंगा। साथ में मैं आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी बना के दिखाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि इंडिया, अगर आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट को जानते हैं, तो इंडिया ओमन और बांग्लादेश ओमन के खिलाड़ियों को आप जानते होंगे। हम बात कर लेते हैं दोस्तों फंटासी टीम की। तो फंटासी टीम किस तरीके से बनेगी इसमें, तो देखो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो इंडिया पहले बैटिंग करेगी या बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगी। इन दोनों टीमों में से कोई भी एक टीम जो है वो बैटिंग करेगी। तो दोनों टीमें अगर बैटिंग, मतलब दोनों टीमों में से कोई एक टीम बैटिंग करेगी ना, कोई एक टीम तो बैटिंग करेगी करेगी, लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो उस टाइम मैच की सिचुएशन अलग होगी, अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो उस टाइम मैच की सिचुएशन अलग होगी। लेकिन दोस्तों, मुझे ये यकीन है कि आप जब टीम बनाओगे तो आप ये बात नहीं सोचोगे, इंडिया अगर पहले बॉलिंग करी तो आप अलग तरीके से टीम बना दोगे, बांग्लादेश बॉलिंग करी तो अलग टीम से। तो कहने का मतलब है कि आप जो आपकी जो दिमाग में बातें रहेंगी ना, आप उसी बात को अपना के टीम बना दोगे, लेकिन वहां पे दोस्तों आप मार खा जाओगे। वही बात है कि आपको कैसे हासिल करना है रैंक वन, इसके लिए दोस्तों आपको दो चीजें ध्यान रखनी होगी। एक तो इंडिया अगर पहले बैटिंग करी तो किस तरीके से टीम बनानी है, दूसरी अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो किस तरीके से टीम बनानी है। दोनों अलग अलग तरीके से टीम बनेगी। और जब इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो आप किसको कप्तान बनाएंगे, शेफाली वर्मा बनाएंगे, मंधाना को बनाएंगे, हरमनप्रीत कौर को बनाएंगे, या फिर दीप्ति शर्मा या रिस, वो अलग। उसके बाद अगर इंडिया पहले फील्डिंग करती है तो आप रेणुका सिंह को बनाएंगे, या राधा यादव को बनाएंगे, या पूजा वस्त्राकर को बनाएंगे, या फिर श्रेयांक पाटिल को बनाएंगे, या अरुंधति रेड्डी को बनाएंगे। ये सारी चीजें मतलब आप सेट नहीं कर पाते हो दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में यही चीजें सेट करके आपको बताऊंगा कि अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो किस तरह से टीम बनाएंगे, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो किस तरह से टीम बनाएंगे, और दोनों ही कंडीशन में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाएंगे। वहीं पे बांग्लादेश की जो वुमन टीम है उनको किस किस प्लेयर को आप सेलेक्ट करोगे, किस किस प्लेयर को आप टीम से बाहर करोगे,
ये भी ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम बात करते हैं सीधा टीम पे। बट टीम पे बात करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। दोनों लोगों का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ आपको ग्रैंड लीग की टीम भी मिलती है। इसके अलावा मेरा खुद का चैनल है दोस्तों, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बट अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। बट डेफिनेटली जब कोई बड़ी सीरीज आती है, जब बड़े चीजें आती हैं, तो उसमें मैं शुरू कर देता हूँ बनाना और वहां पे आपको दोस्तों मतलब बम्पर जीत होती है जो भी मेरे वीडियो को देखता है। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल तो है ही, टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग। और वीडियो एंड चैनल एक ध्यान रखना, वीडियो एंड चैनल दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक यानी जहां भी आपको करना चाहिए वहां भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो देखो इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की टीम जो है वो अच्छा खासा स्कोर करेगी। देखो ये सब बातें ध्यान देने वाली होती हैं दोस्तों, क्योंकि अगर ध्यान आप बातों को दोगे तभी आप सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं दिख नहीं पा रहा हूँ, पीपीटी नहीं है, स्कोर बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो वो सब दोस्तों कोई फायदा नहीं होता उनका। आप पहले समझ लो मेरी बातों को, उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टीम बनाना है। तो सबसे पहले अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो इतना तो पक्का है दोस्तों कि इंडिया कम से कम 170 से 180 रन के आसपास बनाएगी। और जब 170 से 180 रन बनाएगी तो बांग्लादेश का क्या है कि वो मेंटेलिटी उसका जो ना दिमागी प्रेशर हो जाएगा वहां पे, वो क्या करेगी बांग्लादेश 140 145 में ऑल आउट हो जाएगी, फिर उतना ही रन बना पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो आपको तीन या चार प्लेयर को सिलेक्ट करना है, इंडिया की तरफ से तीन और चार प्लेयर को सिलेक्ट करना है। अब मैं ये भी बता दूं आपको, छह सात टीम अगर आप बना लेते हो, सात आठ टीम बना लेते हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको मतलब सुपर चांस रहेगा जीतने का। लेकिन कैप्टन आप किसको बनाएंगे? तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मैं बता दूं शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, रोड्रिगस, दीप्ति शर्मा, ऋषभ घोष, ये लोग क्या है कि ये लोग 10 मैचों में तीन बार अच्छा खेल देती हैं। शेफाली वर्मा की बात करें तो भारत की वीरेंद्र सहवाग हैं महिलाओं में, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करती हैं, मेरी फेवरेट हैं, बल्लेबाजी काफी बढ़िया करती हैं। तो कैप्टन आप शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, रोड्रिगस, ऋषभ घोष, दीप्ति शर्मा को नहीं बनाए, दीप्ति शर्मा को नहीं बनाए। आपको अगर कैप्टन बनाना है तो स्मृति मंधाना को बनाना है, क्योंकि मंधाना एक तो मेच्योर प्लेयर है, तीन चार सेंचुरी है उनकी, और एक भरोसेमंद खिलाड़ी है। तो आप जब इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी ना तो स्मृति मंधाना को आप सिलेक्ट कर लीजिए कैप्टन के लिए सभी टीमों में, क्योंकि अगर स्मृति मंधाना 80-90 रन बना दिया या फिर अगर सेंचुरी लगा दी उन्होंने तो आपकी टीम का जो काम है ना कप्तानी का, वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके बाद एक हर टीम में आपने स्मृति मंधाना को कप्तान बनाया, अब स्मृति मंधाना को आपने हर टीम में कप्तान बनाया तो होगा क्या, आपको जो बाकी इंडियन प्लेयर है ना, ऋषभ घोष, कौर, दीप्ति शर्मा, इन लोगों को आपको रोटेट कर करके अलग अलग टीमों में रखना है, लेकिन स्मृति मंधाना को आपको कैप्टन बनाना है। तो ये हो गया दोस्तों इंडिया का पहले बैटिंग करके स्मृति मंधाना को कैप्टन बनाना। अब अगर इंडिया जब पहले बैटिंग करेगी तो बाद में बॉलिंग करने आएगी, अब जब बाद में बॉलिंग करने आती है ना इंडिया की टीम, तो आपको क्या करना है, आपको जो चार प्लेयर है ना, जो चार प्लेयर है या पांच बॉलर है या छह बॉलर है, मैं बॉलर के नाम बता देता हूं, रेणुका सिंह है, राधा यादव हैं, अरुंधति रेड्डी हैं, इसके अलावा आपका श्रेयंक पाटिल है, इसके अलावा पूजा वस्त्राकर है और दीप्ति शर्मा है। इन छह प्लेयरों को अलग अलग टीमों में वाइस कप्तान बनाना है, क्योंकि अगर इंडिया की तरफ से बैटिंग हो रही है और स्मृति मंधाना 100 रन बना दिया, बाद में जो बॉलिंग करने आएगी इंडिया की टीम में से छह बल्लेबाजों में से दोस्तों कोई भी एक बॉलर होगा, छह गेंदबाजों में से कोई भी एक गेंदबाज होगा जो कि अगर तीन या चार विकेट ले जाता है तो स्मृति मंधाना तो इधर चली है, बाद जो ये बॉलर है ये बॉलर भी चार विकेट ले जाता है, तो वहां पे कैप्टन और वाइस कैप्टन आपका बढ़िया चल जाएंगे। ठीक है, अब कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बढ़िया चल गए तो बाकी के खिलाड़ी को आपने रोटेट किया है तो एक टीम ऐसी होगी आपकी जहां पे ये सेट हो जाएगा कि किस तरीके से कौन सा प्लेयर अच्छा खेला, वो प्लेयर आपकी एक टीम में जरूर रहेंगे। वहीं पे आपकी एक टीम का कप्तान वाइस कप्तान अच्छा चल गया है, आठ टीम आपने बनाया, कुल मिला के आठ टीम आपने बनाया,
इन आठों टीमों में कप्तान और वाइस कप्तान आपने सेम रखा है, खिलाड़ियों को आपने ऐसे कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया है, ऐसे चेंज करके करके करके, तो जाहिर सी बात है कि इतने खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन, एक खिलाड़ी का कॉम्बिनेशन जरूर चलेगा। अब जब एक खिलाड़ी का कॉम्बिनेशन अगर चलता है और कैप्टन और वाइस कैप्टन सेम बनाया, तो आपकी टीम रैंक वन आने के पूरे चांस रहेंगे। ये तो था इंडियन प्लेयर की टीम का, मतलब इंडिया के कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मिल गए। इसके अलावा आप इंडियन जो सिर्फ स्मृति मंधाना की, अगर स्मृति मंधाना को आप कप्तान नहीं बनाना चाहते तो उसकी जगह दोस्तों दीप्ति शर्मा को कप्तान जरूर बनाना, क्योंकि दीप्ति शर्मा 4-5 विकेट भी ले लेती हैं, 3-4 विकेट प्लस वो 30-35 रन भी तगड़ा बना देती हैं। तो दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना दो ये फेवरेट हैं कैप्टेंसी के लिए। वाइस कैप्टेंसी के लिए पांचों टीमों में, छह टीमों में पांच बॉलर को अलग अलग टीमों में वाइस कप्तान बना देना। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंडियन प्लेयर को, तो आप सेलेक्ट कर लिया कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर लिया, लेकिन बांग्लादेश के प्लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि बांग्लादेश के प्लेयर भी आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो इस जो इस तरीके से आपको करना क्या है कि चार आपको बांग्लादेश के प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, यानी 7 इंडियन प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, 4 बांग्लादेश के प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे जो जानकारी यहाँ पे सोनू जी ने यहाँ पे हमको दी है भाई, यहाँ पे इंडियन बैट्समैन को पूरी तरीके से इन्होंने जितने भी हमारे बैट्समैन है, चाहे मैं बात कर लूँ विकेट कीपर रिचा घोष की, चाहे मैं बात करूँ मंधाना की, तो भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने टीम को एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के दिखाया है। अब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे सोनू जी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के प्लेयर के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि आप लोग एक बात जानते हो भाई, दोनों टीमों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप लोग सिर्फ एक टीम से फील्डिंग नहीं कर पाओगे, आपको दोनों टीमों के थोड़े थोड़े प्लेयर लेने पड़ेंगे। चाहे आप बांग्लादेश के 3 प्लेयर रखिए, 4 प्लेयर रखिए, लेकिन आपको दोनों टीमों का अच्छा कॉम्बिनेशन बना के दोस्तों चलना पड़ेगा, तभी आप लोग ड्रीम इलेवन में विनिंग कर पाएंगे। तो आप लोग इसीलिए आपसे कहते हैं भाई वीडियो को एंड तक देखा करिए, क्योंकि कौन सी जानकारी कहाँ पे आपको क्लिक कर जाए और किस दिन आपको एक करोड़ जितवा दे कोई नहीं जानता है। तो वीडियो को बिना स्किप करें देखिए और भाई लाइक कर दीजिए। आइए बात करते हैं यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आज के मैच में चल सकते हैं, परफॉर्मेंस कितनी क्या होनी है। कई कई लोग सिलेक्शन परसेंटेज देख के प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे, और लास्ट में कप्तान उप कप्तान किसको बनाना है, कम से कम 3 कप्तान के बारे में जानकारी देंगे कि 3 लोगों को कप्तान बनाया जा सकता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि इंडिया के 7 प्लेयर रखना, तो इंडिया के 7 प्लेयर क्यों रखना है, इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो 3 बल्लेबाज सेलेक्ट कर लेना, ओनली 3 बल्लेबाज, और बॉलर आपको 4 रखने हैं, क्योंकि अगर इंडिया की पहले बैटिंग आई तो वहां पे बल्लेबाजी कम ही लोग कर पाएंगे और रन अच्छा खासा बन जाएगा, और जब बॉलिंग की बारी आएगी तो बॉलर सारे लोग बांग्लादेश के बॉलरों को आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 7 प्लेयर इंडिया के आपने सेलेक्ट कर लिए। अब वहीं पे हम बात करते हैं बांग्लादेश के भी 11 प्लेयर हैं इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो जब बात करते हैं बांग्लादेश के प्लेयर्स की दोस्तों, तो बांग्लादेश के ना 1 तो विकेट कीपर रख लेना, क्योंकि विकेट कीपर का पॉइंट एडिशनल पॉइंट वो मिल जाता है। 1 बल्लेबाज को रख लेना जो प्रॉपर बल्लेबाज हो, उसको आप सेलेक्ट कर लेना। 1 ऑलराउंडर को रख लेना और 1 जो है वो बॉलर को रख लेना। इस तरीके से 4 जो प्लेयर है ना बांग्लादेश के, वो चारों प्लेयर को इंडिया के जो 7 मैच हो रहा है फंटेसिक टीम बनाएंगे वहां पे आप चारों प्लेयर को सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं कि ऐसी टीम आपकी यूनिक टीम है ना कोई भी नहीं बना के दिखा सकता, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से टीम बनेगी, क्योंकि मैंने आपको मैच का हुलिया बता दिया। 99% चांस है कि इस तरीके के मैच होंगे, लेकिन अगर मान लो 1% नहीं भी हुआ दोस्तों, तो हम लोग भगवान नहीं कि आपको बता पाएंगे, कभी कभी हमारे भी प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, इस जो उसमें क्या बोलते हैं वीडियो में इस प्रेडिक्शन में दम है, तो आप दोस्तों फॉलो करो, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमें फॉलो करिए आप, क्योंकि अगर आपको लगता है कि रियल में ये लोग जिता सकते हैं तो आप बने रहिए, और उसमें आपका पैसा तो खर्च हो नहीं रहा दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, एटलीस्ट 2 लोग आपके दोस्त भी तो बने रहेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि इन्होंने बोला कि 3 कैप्टन के मैं नाम बता देता हूं, तो दोस्तों 2 तो हैं, स्मृति मंधाना 1 है और दीप्ति शर्मा 2 हैं। 2 तो मैंने फिक्स बता दिया कि कैप्टन बनाने ही बनाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा जो प्लेयर है, तो तीसरा प्लेयर दोस्तों आपका होना चाहिए, तीसरा आप किसको सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आप में भी तो दोस्तों मतलब जितना बड़ा हमारा दिमाग है उतना बड़ा आपका भी दिमाग है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आप भी आपके अंदर एक मतलब एक अच्छे फंटेसी एक्सपर्ट आप भी हो, तो आप अपने तरीके से एक वीडियो एक वो बना लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बना लेना। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, होप की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो और चैनल दोनों अपने दोस्तों में शेयर करना। इसके अलावा टेलीग्राम का चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना दोस्तों, टेलीग्राम पे टीम हम देते ही देते हैं, साथ में और भी गेम्स वगैरह होते हैं जहां पे आप
देख के खेल के अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और चैनल, उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पे टीम जरूर जाएगी 2 बजे के आसपास दिन में, जो मैच होगा शुरू होगा उससे पहले। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइज। कितना मिनट के बनी?